आज की इस वीडियो का मकसद मेरा कोई डॉक्यूमेंट को अप्लाई करके दिखाना नहीं है। आज की ये वीडियो मेरे उन सीएससी सेंटर वाले भाइयों के लिए है जो सीएससी सेंटर पहले से चलाते हैं, जनसेवा केंद्र चलाते हैं या ई मित्र सेंटर चलाते हैं, या बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं जो जनसेवा केंद्र का काम करना चाहते हैं। जब भी हम सीएससी सेंटर या जनसेवा केंद्र खोलने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि इसके लिए बहुत सारी आईडी चाहिए, ईडीटी की आईडी चाहिए, सीएससी आईडी चाहिए। आज की ये वीडियो बहुत ही डिटेल में और बिल्कुल प्रैक्टिकल होने वाली है, क्योंकि पिछले 5 सालों से मैं भी सीएससी सेंटर जनसेवा केंद्र चलाता हूं और कमाल की बात यह है दोस्तों, मेरे पास किसी भी तरह की कोई भी आईडी नहीं है। मैं आपको सच बताता हूं, ना ही मेरे पास सीएससी आईडी है, ना ही ई डिस्ट्रिक्ट आईडी है। जब मैंने अपनी कंप्यूटर शॉप या सीएससी सेंटर चालू किया था तो केवल मेरा बैंक में अकाउंट था, मेरे पास आधार कार्ड पैन कार्ड था और मैंने अपनी शॉप ओपन की थी। आज मेरे पास सभी सर्विस है और अब तक भी मेरे पास किसी भी तरह की आईडी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सभी तरह का काम करता हूं और कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता हूं। आज की ये वीडियो बेसिकली 3 पार्ट में होने वाली है। पहले पार्ट में हम ये जानेंगे कि कोई भी सीएससी सेंटर चलाने के लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट पहले से होने चाहिए और किन किन सामान की जरूरत होती है। दूसरे पार्ट में हम ये जानेंगे कि हम अपने सेंटर पर कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं बिना किसी आईडी को परचेज किए हुए, बिना कोई आईडी लिए हुए, जैसे मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं। और दोस्तों तीसरा पार्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए होने वाला है, इसलिए दोस्तों आपको शुरू से लेकर और लास्ट तक बिल्कुल भी वीडियो को मिस नहीं करना है। तीसरे पार्ट में हम ये जानेंगे कि वे कौन कौन सी स्पेशल सर्विस है जो सीएससी सेंटर वाले अपने सेंटर पर प्रोवाइड नहीं करते हैं और आप हमसे जुड़कर उन सर्विस को लोगों को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए भी दोस्तों आपको किसी भी आईडी की जरूरत नहीं है। मैं लास्ट में केवल अपना एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा जिसमें हम सीएससी सेंटर वालों की हेल्प करते हैं, उनको नई नई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप लास्ट तक वो नंबर लेकर जरूर जाना। पहले हम बात कर लेते हैं, पहले पार्ट पर आ जाते हैं कि सीएससी सेंटर चलाने के लिए हमारे पास क्या क्या सामान होना चाहिए और कितना खर्चा हमारा लग जाएगा। अगर आप जनसेवा केंद्र चलाना चाहते हैं तो आपकी एज पहले तो 18 साल पूरी होनी चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि सीएससी सेंटर या जनसेवा केंद्र चलाने के लिए आपका बैंक अकाउंट जरूरी है, आपको ऑनलाइन यहाँ पर ट्रांजेक्शन करनी होती है। तीसरी चीज क्या है, हमारे पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए जिनकी हमको बहुत सारी सर्विस अपनी शॉप पर रखने में जरूरत पड़ती है। और चौथी चीज क्या है, आपके पास एक दुकान होनी चाहिए जिसमें आपको काम करना है। अब आपके पास दुकान हो गई, आपके पास आईडी है, तो उसके बाद आपको अपनी दुकान में बेसिक कौन कौन सा सामान रखना है जिससे आप अपने काम को स्टार्ट कर सके। आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए, कलर और ब्लैक दोनों प्रिंटर आप ले सकते हैं, चाहे तो अलग अलग भी ले सकते हैं, और चाहे तो अगर आप एक प्रिंटर लेना चाहते हैं कलर प्रिंटर, उसमें आप ब्लैक भी कर सकते हैं। वो आपका लगभग कितने रुपए का आ जाएगा, 15,000 रुपए का आपका कलर प्रिंटर आ जाएगा जिसमें आप ब्लैक कॉपी भी कर सकते हैं और कलर भी कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, आपके पास लैमिनेशन की मशीन होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर शॉप पर या सीएससी सेंटर पर लैमिनेशन की मशीन बहुत ही जरूरी है, जिससे आप कस्टमर को आधार कार्ड, वोटर कार्ड, यानी बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्ड होते हैं जिनको आप प्रिंट निकाल कर दे सकते हैं। और एक सामान आपके पास होना चाहिए, फोटोकॉपी का पेपर आपके पास होना चाहिए, और एक आता है फोटो वाला पेपर जिसमें हम आधार कार्ड को या फोटो को प्रिंट निकालते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। इस पूरे सामान में आपका जो खर्चा आएगा टोटल आएगा 25,000 रुपए केवल, इसके अलावा आपको कोई भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दो प्रिंटर लेना चाहते हैं, कलर अलग लेना चाहते हैं, ब्लैक अलग लेना चाहते हैं, क्योंकि ब्लैक लेने से फायदा क्या होता है, अगर आप फोटोकॉपी का काम ज्यादा करते हैं तो वो आपका ब्लैक प्रिंटर में होता है, जो एचपी का हमारा प्रिंटर आता है वो लगभग आपका 20-22 हज़ार रुपए का आ जाता है। फिर खर्चा मान लीजिए आपका टोटल 40,000 प्लस चला जाता है। इस सामान के अलावा आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर की जो कॉस्ट है लगभग 15,000 रुपये में आपका काम हो जाएगा। और आपके पास एक फिंगरप्रिंट की डिवाइस होनी चाहिए जिसमें आप कस्टमर का अंगूठा लगाकर उसका पैसा निकाल सकते हैं, उसकी KYC कर सकते हैं, यानी बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर आपको बेस्ट फिंगरप्रिंट डिवाइस लेनी है, जो मैं यूज़ करता हूँ, मंत्रा की डिवाइस है वो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप वो डिवाइस को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला पार्ट बिल्कुल हमारा कंप्लीट हो चुका है कि सीएससी सेंटर चलाने के लिए हमारे पास कौन कौन सा सामान होना चाहिए और लगभग हमारे कितने पैसे इसमें लग जाएंगे। अब मैं मान लेता हूं कि आपके पास ये सारा सामान है और आपने एक दुकान ओपन कर ली है, तो इस सामान से आप क्या क्या काम अपनी दुकान पर कर सकते हैं। पहले हम बेसिक काम के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो क्या आप फोटोकॉपी कर सकते हैं, लैमिनेशन कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आधार कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं,
पैन कार्ड बना सकते हैं, पैन कार्ड के लिए आपको किसी भी आईडी की जरूरत नहीं है। वोटर कार्ड बना सकते हैं, वोटर कार्ड के लिए किसी भी आईडी की जरूरत नहीं है। इसके बाद है आप ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। उसके बाद आप क्या काम कर सकते हैं, किसी भी तरह का पेंशन फॉर्म भर सकते हैं, इसके लिए किसी भी आईडी की जरूरत नहीं है। आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, आपको पता होना चाहिए आयुष्मान कार्ड की एक न्यू वेबसाइट आई है, वो भी आप काम कर सकते हैं। और जो जो यहाँ पर मैं काम बता रहा हूँ, वेबसाइट बता रहा हूँ आपको, इनकी लिंक भी आपको कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप किसी भी कस्टमर का इंश्योरेंस कर सकते हैं, कार का, बाइक का, मोटर का, कोई सा भी इंश्योरेंस कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं और उसका लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी ईडीटी की जरूरत नहीं है, किसी भी सीएससी आईडी की जरूरत नहीं है। और एक कॉमन जो सर्विस होती है, जो लगभग पूरे देश के जहां भी सीएससी सेंटर हो गए या दुनिया में अगर कहीं भी सीएससी सेंटर या ऐसी कोई कंप्यूटर शॉप होती होगी जो इस सर्विस को जरूर प्रोवाइड करते होंगे, मनी ट्रांसफर और मनी विड्रॉल। आपके पास ऐसे कस्टमर आते होंगे कि हमको अपने खाते में पैसे डलवाने हैं, आपको ये सर्विस जरूर रखनी है, उनका अकाउंट में पैसे डालने हैं अपने फोन पे से, गूगल पे से। और इसी में एक सर्विस है कैश प्रोवाइड करने की, कस्टमर आएगा आपके बारकोड में पैसे डालेगा और आपसे वो कैश लेगा। और इसमें एक और सर्विस है आधार कार्ड से पैसा निकालने की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ है, बैंक जाना नहीं चाहते, वे 100-100 रुपये 200-200 रुपये निकलवाते हैं, तो उनको आप ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आधार कार्ड से पैसा निकालने के लिए आपको एक आईडी लेने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको कहीं भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप उनकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट का नाम है पे नियर बाय, वहां पर आप आईडी बनाकर आईडी ले सकते हैं और किसी भी कस्टमर के आधार कार्ड से पैसा आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सीएससी सेंटर पर एक सर्विस और होती है, ऑल स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज जॉब ऑनलाइन फॉर्म। यानी बहुत सारे फॉर्म ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट फिल कराते हैं, जैसे जॉब के हो गए, स्कूल के हो गए, तो उन फॉर्म को आपको फिल करना है अपने सीएससी सेंटर पर। इसके लिए किसी भी आईडी की जरूरत नहीं है, इसके लिए एक वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट पर जाकर आप सभी तरह के फॉर्म को चेक कर सकते हैं और किसी भी स्टूडेंट का या जो भी जॉब के लिए फॉर्म भरवाना चाहता है उनके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा हमारे 13 नंबर की सर्विस स्टार्ट होती है ऑल गवर्नमेंट योजना फॉर्म। यानी गवर्नमेंट जिस भी योजना को लॉन्च करती है उनको आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आयुष्मान कार्ड की योजना है, सरकारी मकान की योजना है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती है जो टाइम टू टाइम आती रहती है और ख़त्म होती रहती है, तो उन योजनाओं को आपको ध्यान रखना है और कस्टमर को उन योजनाओं को प्रोवाइड करना है। इसके अलावा जो सीएससी सेंटर पर सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, मुझको आईडी चाहिए, वो काम होता है हमारा आय जाति मूल निवास इनकम कास्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके लिए भी आपको किसी भी ई डिस्ट्रिक्ट की जरूरत नहीं है। आप पोर्टल पर जाएंगे ई डिस्ट्रिक्ट की, वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा सिटीजन ई साथी का, उस पर आप आईडी बनाकर बिल्कुल फ्री में कस्टमर के आय जाति मूल निवास बना सकते हैं, वो भी केवल 15 रुपये की फीस पेमेंट करके। इसके अलावा हमारी सर्विस आती है, बहुत सारे लोग अभी आपको पता होगा, HSRP नंबर प्लेट, गाड़ियों में नंबर प्लेट लगवा। यानी आपको, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भी इस तरह का काम आता है, जो भी कंप्यूटर शॉप का काम आता है, वो आपको अपने पास रखना है। इनके लिए किसी आईडी की जरूरत नहीं है। अगर आप आईडी के चक्कर में पड़ेंगे तो पैसे बर्बाद करेंगे, पैसे खराब करेंगे। अब इसके बाद आती है राशन कार्ड की सर्विस। इसके बारे में आप कह सकते हैं राशन कार्ड की सर्विस के लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट की जरूरत है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश में ई साथी पोर्टल में ही गवर्नमेंट ने राशन कार्ड की सर्विस को ऐड कर दिया है। आप वहां से किसी भी कस्टमर का नया राशन कार्ड बना सकते हैं। इसके अलावा यहां पर एक पेमेंट की सर्विस भी मैंने लिखी है नंबर 18 पर, लोन रीपेमेंट। बहुत सारे कस्टमर आपके पास आते होंगे कि हमको LIC का पेमेंट कराना है, हमने मोबाइल किस्तों पे लिया उसका पेमेंट कराना है, हमने फ्रिज लिया किस्तों पर उसका पेमेंट कराना है, या हमने बाइक लिया है, कोई भी सामान लिया है। इस काम को करने के लिए आपको आईडी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फोन पे पर जाएंगे, उनका पेमेंट कर देंगे और 1000 रुपये पर जो भी आप एक्स्ट्रा लेते हैं, 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये, वो यहाँ पर आप कस्टमर से ले सकते हैं। इसके अलावा आप लेबर कार्ड बना सकते हैं, ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट यानी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का ऑनलाइन फॉर्म भी आप फिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सर्विस है आधार कार्ड अपॉइंटमेंट, यानी कस्टमर के आधार कार्ड का आप अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, जिससे कस्टमर आधार कार्ड का अपॉइंटमेंट लेकर और आधार कार्ड का अपना कोई काम करा सके। और यहाँ पर आधार कार्ड का एक और काम है, आप आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, आधार कार्ड का प्रिंट निकाल सकते हैं। बहुत सारे काम आप यहाँ पर कस्टमर के कर सकते हैं। और एक और सर्विस जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पर लास्ट में लिखी है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई भी आप कर सकते हैं। पासपोर्ट कितना बड़ा डॉक्यूमेंट है, लोग बस CSC से अप्लाई करते हैं, किसी आईडी की जरूरत नहीं है।
पासपोर्ट को आप आसानी से बिना किसी आईडी के अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर जाना है। और एक सर्विस यहाँ पर और है हमारी, पासपोर्ट साइज फोटो। जब मैंने अपना सेंटर खोला था तो मैंने ये सर्विस अपने सेंटर पर नहीं रखी थी, लेकिन दोस्तों मुझको ये सर्विस अपने सेंटर पर रखनी पड़ी क्योंकि बहुत सारे कस्टमर मेरे पास आए कि डॉक्यूमेंट बनवाना है, ये काम कराना है, वो कराना है, उनके पास फोटो नहीं। तो मैं कहता था उनसे कि आप फोटो बनवा कर आ जाओ, उसके बाद मेरे पास आ जाना। तो वे क्या करते थे, बहुत सारे हमारे पास में सेंटर है, वो उनके पास जाते थे फोटो बनवाने, तो जब बंदा फोटो जहाँ पर बनवाएगा तो वहीं पर अपना बाकी काम भी करा लेगा, तो वे रिटर्न मेरे पास नहीं आते थे। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर ये काम करा, इस सर्विस को ऐड किया, उनके फोटो बनाने शुरू करे। आप भी सर्विस को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं, कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक या उससे भी ज़्यादा तक स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जाते हैं, 2-3 महीने तक ये फॉर्म चलते हैं। अगर आप अच्छा काम करोगे तो डेफिनेटली आपके पास लोग बाग आएंगे और आपसे काम जरूर कराएंगे। अब आप मुझे ये बताओ कि मैंने यहाँ पर मोटा मोटा पूरी 25 सर्विस आपको बता दी जो कॉमन लगभग सभी CSE सेंटर पर होती है। और बहुत सारी सर्विस दोस्तों ऐसी होगी जैसे हमारे यहाँ पर नहीं होती है तो आपके यहाँ पर होगी। जैसे हम जमीन की खसरा निकाल सकते हैं, खतौनी निकाल सकते हैं, फर्द निकाल सकते हैं, जमीन का नक्शा निकाल सकते हैं। एक दोस्तों गांवों में सर्विस होती है जिसका मुझे को नाम ध्यान नहीं रहा, डॉक्यूमेंट है वो, उसमें पूरे परिवार का ब्यौरा होता है। तो आपके यहाँ भी कुछ सर्विस ऐसी होगी जो मैंने बताई अभी, ये सारी इतनी सारी सर्विस वो आपके यहाँ पर काम नहीं आती होगी, तो आपके यहाँ पर इससे नई सर्विस हो सकती है। तो आपको केवल YouTube पर जाकर ये चेक करना है कि इसके लिए किसी आईडी की जरूरत भी है या नहीं है। आज के टाइम में किसी भी सर्विस के लिए किसी भी आईडी की जरूरत नहीं है। आप बिना CSE के, बिना EDST के, बिना किसी आईडी के चक्कर में पड़े अपना कंप्यूटर सेंटर आसानी से चला सकते हैं। केवल यहाँ पर शर्त ये है, आपको कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस यहाँ पर देनी है। अगर आपने शुरू में CSE सेंटर अपना खोला है और आपके पास भी और भी सेंटर है तो कोशिश आप ये करें कि सर्विस आप अच्छी दें, पैसे थोड़े कम लें। मैंने यहाँ पर लगभग आपको 25-30 सर्विस बता दी, आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग, आपकी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग सर्विस बहुत सारी अलग अलग हो सकती है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन सर्विस को ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 3 पर। चाहे आप पूरे देश में कहीं भी रहते हैं, जो मैं आपको सर्विस अब बताने वाला हूँ, जो मैं सर्विस आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो आपकी हर जगह काम आने वाली है। और ये सर्विस है कॉमन, आपको सभी जगह नहीं मिलेगी। अगर आपके पास कोई CSE सेंटर वाला होगा उसके पास ये सर्विस नहीं मिलेगी। आपको इसके लिए क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, ये आपको यहीं पर स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पर आपको हमसे कॉन्टेक्ट करना है और हम जो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सर्विस यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ सर्विस है जो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं दुकान वालों के लिए, CSE सेंटर वालों के लिए, उन कुछ सर्विस का मैंने यहाँ पर आपको नाम बता देता हूँ। जैसे कि खोया हुआ आधार कार्ड निकालना, ये नॉर्मल बंदा कोई नहीं निकाल सकता, हम आपको खोया हुआ आधार कार्ड निकाल कर दे सकते हैं जिसे आप अपने कस्टमर को सर्विस के रूप में प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद है खोया हुआ पैन कार्ड निकालना, बिना OTP के आधार कार्ड और वोटर कार्ड की PDF को डाउनलोड कराना, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहे आपकी स्टेट कोई भी हो। उसके बाद है आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस का काम करना, अगर आप पहले से CSE सेंटर चलाते होगे तो आपको इस सर्विस के बारे में पता होगा। इसके बाद है आधार कार्ड को अपडेट कराना, आप हमसे कॉन्टेक्ट करके अगर आप CSE सेंटर चालक है आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, जो भी आप चाहे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आपकी जो भी समस्या है हमको बताएं, हम उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी, इतनी मेहनत से आपके लिए लिखकर मैंने वीडियो बनाया जिससे आपको अच्छी से अच्छी सर्विस मिल सके, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर से करके जाना, वीडियो को शेयर करना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट जरूर करना। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।